अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हरे अच्छे होंगे व्यूवर्स। तो जैसा कि आपको पता है यार कि बजीज ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है, तमाम छोटे बड़े परिंदे जितने भी, उनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यार एक भाई का कमेंट आया था यार कि आप लाजमी बताइएगा ये जो बजीज हैं अंडे वगैरह क्यों नहीं देते। आज जो टॉपिक है वो ये है कि मतलब बजीज जो है ना अंडे देने की वजह क्या है, मतलब अंडे क्यों नहीं देते, क्या वजूहत है। तो आज उसके ऊपर इंशाल्लाह थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। पहले तो आप ये हमारे देख लो, माशाल्लाह से हमारे तो तमाम बजीज ने अंडे वगैरह दिए थे। मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो अंडे और बच्चे नहीं करते। ये आप तमाम बर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर लें, बहुत अच्छा फार्मूला मेथड है, इंशाल्लाह आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि आप पट्ठे लेकर ना तैयार करें। ब्रीडर पेयर मतलब जैसा कि आप सीधा ना यार हर फैंसियर की मतलब यही कोशिश होती है कि यार घर लाएँ पेयर और आते साथ अंडे बच्चे दे दें। सीधी बात है, जो नया शौकीन होता है ना, मतलब जो नया शौकीन होता है उसकी यही कोशिश होती है बॉस के क्या नाम लेते हैं कि घर लाए अंडे बच्चे कर दे, ठीक है। यार मैं भी जब पहले था, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी ऐसी की हरकतें करता था, ठीक है। लेकिन अब जैसा कि अब ये अक्टूबर का एंड चाह रहा अगला महीना नवंबर का, अब सितंबर में पट्ठे लाएँ दो ढाई माह के, तो इंशाल्लाह नवंबर तक वो आपके पट्ठे तैयार हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये यार पट्ठे लाएँ महीना दो महीने मतलब ऊपर मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ, मैं आपको पट्ठे क्यों रिकमेंड करूँ कि पट्ठे आपने लेने हैं। यार सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यार जो मार्केट में पीसीस आते हैं ना, खासतौर के जो दुकानों पर होता है, तो यार वो तकरीबन ना 90-80% यार डिफेक्टेड पीस होते हैं। कुछ होते हैं यार जो ब्रीड कर देते हैं। यार मैं किसी और की बात क्या करूँ, मैं अपनी बात करती हूँ। यार मेरे पास अगर कोई ऐसा वैसा मतलब पेयर होगा ना, तो मैं उसको उठा कर ना आराम से ना बाहर सेल आउट कर दूँगा। मतलब जो पेयर एग नहीं देता होगा, कोई डिफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे भाई सारे करते हैं भाई, ठीक है। तो मैं आपको वजह बता दूँ, किसी भाई से ओलेक्स से लें, लें भी ओलेक्स से आपको रेट भी मुनासिब मिल जाएगा। ओलेक्स से परचेज़ करें, अच्छे दाम पर मिल जाएगा, अच्छा रेट मिल जाएगा, ठीक है। सस्ते मिल जाएंगे, 300-400 का पट्ठों का पेयर मिल जाता है। और जो ब्रीडर पेयर है वो 550-600 के दरमियान अभी मिल रहा है, क्योंकि सीज़न आपको पता, जैसे गर्मियों में यही यार ये पेयर 500 का यार आराम से मिल जाता है, ठीक है ब्रीडर पेयर। हाँ आपको मैं बताता हूँ उन्हें परचेजिंग कहाँ से करनी है, फिर आपको मैं वो निशानियाँ भी बताऊँगा कि कौन कौन सी निशानियाँ जो आप बर्ड्स में देखें आपने वो परचेज नहीं करना। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको बताता हूँ हमने परचेज़ कहाँ से करना है। यार परचेज़ आप ओलेक्स से करें, शालीमार बर्ड्स मार्केट लगती है ये अल्लाह भला करे आपका शालीमार गार्डन में, संडे के संडे माशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छे बर्ड्स आते हैं यार। ये मैं जितने भी बर्ड्स लेके हूँ वहाँ से लेके हूँ। अभी जो आप हमारी देख रहे हैं, आप जितने भी व्यूवर्स हैं नए या पुराने हमारे चैनल पर जाएँ, इंशाल्लाह आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन कल या परसों वीडियो लगाई थी, तो माशाल्लाह से देखिए 10-12 मटके मंडे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं हूँ यार, मैंने लेके आया ब्रीडर, यार मुझे पता निशानी होगा। जो नया फैंसियर है मतलब जो नया शौकीन है उसको भाई चूना लग जाएगा, ठीक है। मुझे तो तकरीबन ये 4-5 साल हो गया मतलब इनमें, मतलब ये बर्ड्स के अंदर मुझे मतलब एक्सपीरियंस है इतना, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र एहसान है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा वैसा कोई इशू नहीं होता। मैंने तकरीबन उस दिन के 3-4 घंटे अपने कज़न के साथ घूम फिर के पेयर लिए थे, वरना वहाँ पर तो लातदाद परिंदे आए होते हैं यार संडे बर्ड्स मार्केट में। शालामार लाहौर की बात करो, लाहौर में लगती है, वहाँ पर तो लातदाद आए होते हैं परिंदे यार। उसमें तो बंदा जो उनसे मर्जी उठा ले, लेकिन मैंने बहुत ही मतलब ध्यान से, मतलब जो अच्छे पेयर थे क्वालिटी वाले पेयर से मैंने वही उठाए। 50-100 रुपये मैंने महंगा ले लिया, लेकिन लिया अच्छा, ठीक है। अभी जब मैं रिसेंटली इस संडे को गया हूँ, जो मैं लेके आऊँ लव बर्ड्स और कॉकटेल, तब मुझे दो पेयर मिले 500 के हिसाब से, बहुत अच्छे रेट पे मिल गए यार मुझे दो ब्रीडर पेयर अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन उससे जो पहले मैं लेके आया था वो 600 के हिसाब से लेके आया था। उसकी वजह यार क्या, उसकी वजह ये है कि यार उसके अंदर रेड एज, ठीक है, उसके अंदर रेड एज भी मिक्स थे, क्रीमिनो भी मिक्स थे, और उसके अंदर अल्लाह भला करे आपके पाइड भी थे, उसके अंदर स्पेंगल भी थे, ठीक है। इनके ना थोड़े बहुत रेट 100-150 ऊपर नीचे होता था ना, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ऐसे मैं आपको बताऊँ, और जो मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते लेके आए इतवार को, मुझे 500-500 के दो पेयर पड़े, वो थे वाइल्ड बजीज जो ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया उन्हें परचेजिंग आज करनी है, अच्छा मशवरा यही है सितंबर में लाएँ दो ढाई माह के, तो इंशाल्लाह नवंबर के अंदर आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा भी तो यार आपको पता चल जाएगा भाई ये मैं पेयर लेके आया था, ये मैं पट्ठे लेके आया, उनमें से ये पीसी रह गए, मतलब एग्स वगैरह ले नहीं खा रहे, ठीक है। तो उसके बाद
आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी निशानी है यार जो आपने अपने बर्ड्स में देखनी है तो वो चीज़ आपने नहीं लेनी। पहली तो ये बात है कि यार आपने जब भी अगर आपको अलग से नहीं मिलता यार, आप मार्केट जा रहे हो यार, मतलब आपके घर के पास कोई भी शॉप है, तो जो आपने पेड़ देखना ना, सबसे पहले उसकी एज देखनी, कम से कम एज उसकी होती है 4 से 5 माह के दरमियान, जिसकी एज होगी भी ब्रीडर पेड़ होगा। यार मेरे पास तो ऐसी भी फीमेल है जिसने 3 साढ़े 3 माह की एज में एग्ज़ लेकर दी, अल्हम्दुलिल्लाह की हुए हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है। मेरी पुरानी वीडियोस देखें जाके आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। अगर आपने पेड़ लेना है तो 5 से 6 माह की एज हो, उसकी आइस के राउंड अबाउट ना, मतलब वाइट कलर का सर्कल होता है। ये भी मैंने इसके बारे में टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई है, आप देखें आराम से जाके, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने केज के अंदर पेड़ आपने सेलेक्ट कर लिया, कौन से लेना है उसको खुले केज के अंदर यार, मतलब उसको को दुकान वाले को खोल के ना केज बड़ा उसको ना चेक करवा देने, क्योंकि अक्सर होता है यार, मेरे पास तो कॉलोनी थी, मोबाइल से ले आता था घर, जब आता था पेड़ की फ्लाई नहीं थी, उड़ नहीं था पाता, तो वो नीचे बैठा रहता था, ठीक है। जब उड़ेगा नहीं, उड़ के मटकी में नहीं जाएगा, तो आप खुद ही सोचें ब्रीड कैसे करेगा, ठीक है। और उसके बाद यार जो तीसरी मैं आपको बता रहा हूँ बात, कि मेल और फीमेल को चर्बी ना लगी हो, मेल के चेस्ट पे चर्बी लगी होती है जिसकी वजह से ना वो सही मतलब वो क्रॉस वगैरह मैटिंग नहीं कर पाते, और फीमेल के होती है मतलब वेंट वाले हिस्से पे, मतलब जहाँ से वो मोशन वगैरह करती है वहाँ पे चर्बी लगी होती है, ठीक है। क्योंकि जब वो सूज जाती है उसके ऊपर चर्बी आ जाती है, जब वो मैटिंग होती है तो वो प्रोसेस नहीं सही हो पता, एग्ज दे देती है लेकिन उसके अंदर कभी बच्चे नहीं बन पाते। वो आपने कोशिश करना है कि ऐसे पेड़ लेने से परहेज करना है आपने, ठीक है। उससे अगला जो स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो पेड़ लेना है ना उसको ना अच्छी तरह आपने पकड़ के चेक करना है, उसका वेंट वाला हिस्सा मतलब गीला ना हो, मतलब मोशन वगैरह ना लगे हो, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मतलब लूज मोशन की, जिसकी वजह से जानवर मर जाते हैं बजीज में, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी लूज मोशन, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके बाद अगला जो स्टेप है, मतलब अगली जो निशानी है वो ये है कि आपने पेड़ को देखना है उसकी आंखों में पानी ना निकल रहा हो, आपने नोज़ दबा के चेक करना है पेड़ का, या मेल या फीमेल का पकड़ का उसका नोज़ चेक करना है और उसकी आंखें चेक करनी है। अगर ऐसा होगा तो आपने हर चीज़ यार वो परिंदा नहीं लेना, क्योंकि उसकी वजह से आपके दूसरे परिंदों को भी बीमारियां लग सकती हैं, कि वायरस होता है यार, मतलब परिंदे से ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। इसका मतलब उसको नज़ला ज़ुकाम है, ठीक है, वो भी पेड़ आपने लेने से परहेज करना है। तो ये थी कुछ निशानियाँ। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। यार इसी मतलब चैनल के ऊपर आपका भाई बर्ड्स का व्लॉग भी बनाता है और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है, मतलब एक चैनल के ऊपर दोनों काम होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है और अपने बर्ड्स की मतलब प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ, और अपने मैंने जो दूसरे मतलब पेट्स और बर्ड्स वगैरह रखे हैं उनका शौक भी आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी भाई को किसी चीज़ में मसला है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन के अंदर उसके टॉपिक मतलब उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आज का जो मेरे ख्याल से जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेगा, मतलब जो न्यू मतलब बर्ड्स लवर हैं और मतलब जो न्यू शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो यार, ठीक है। किसी का यार भला हो जाएगा यार, मतलब कोई धोखे से बच जाएगा यार, उसको शेयर करना लाजमी। तो अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे बहनों और भाइयों।